तो और भाई लोग कैसे हो सारे यार। तो स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी मोबाइल वीडियो में। तो यस गाइस, आज तुम्हारे भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है। एंड आई थिंक सो अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि यार मोदी भैया अपने जो मोदी जी हैं उन्होंने पबजी को बैन कर दिया है। बट क्या सबको ये पता है कि एग्जैक्ट रीज़न एंड कितना टाइम या फिर मतलब क्या हुआ है, मतलब एकदम से ऐसा ख्याल क्यों आया पबजी बैन का? अब कुछ लोग को लगेगा कि यार उसकी वीडियो पे हमने ज़्यादा डिसलाइक्स दे दिए थे, ये सब इसलिए पबजी बैन हुई है। वो ठीक है, वो एक रीज़न हो सकता है बिहाइंड, बट जो मेन बातें होती है ना गाइस, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी ज़रूर से देखना एंड यार कुछ भी मिस मत करना। तो चलो यार बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो यस गाइस, सबसे पहला टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होगा कि कितने दिन के लिए बैन हुई है। मतलब यार देखो, पबजी बैन हुई है बट ज़रूरी नहीं है यार वो परमानेंट बैन हुई है, क्योंकि यार पबजी ने बताया था कि अगर, क्योंकि पबजी चाइनीज़ तो है नहीं, पबजी तो कोरियन है और जो उसका डायरेक्टर है वो भी जर्मन है इनफैक्ट, ठीक है। तो जर्मन ने पहले कोरियन वाले से राइट खरीदे, देन मोबाइल के लिए भाई जब वो गेम आई तो मोबाइल ने, मतलब जो मोबाइल के लिए आई है तो टेंसेंट ने राइट खरीदे। तो गाइस जो चाइनीज़ चीज़ है ना वो है टेंसेंट। तो पबजी वालों ने हमें जैसा कि बताया था, और ये जो मैसेज है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके हिसाब से पबजी वालों ने बताया था कि हमारा जो 10% राइट है ना वो टेंसेंट को जाता है, और अगर इंडिया में पबजी बैन हुई है तो हम टेंसेंट वालों से वो अपना राइट्स ले लेंगे एंड किसी बड़ी कंपनी लाइक ई स्पोर्ट्स या फिर गेम लॉफ्ट इन सबको दे देंगे। तो गाइस ये सीन है, ठीक है। तो शायद से परमानेंट नहीं हुई है और मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए हो ही होगी, बट अगर परमानेंट होती भी है तो यार मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात से। ये मैसेज भी भाई अब पता नहीं भाई क्या है, लेकिन जितनी मैं रिसर्च कर पाया हूँ इन 2-3 घंटे पूरे लगा कर, उसमें मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ कवर करते, क्या हम बैन के बाद भी खेल पाएंगे? तो गाइस देखो, बैन हो रही हैं चीज़ें दो तरीके से। एक तरीके से जैसे टिकटॉक बैन हुआ भाई, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, उसमें अब हमें VPN लगाना पड़ रहा है। तो अगर वैसे वाले तरीके से बैन हुआ, और फिर मेरे ख्याल से 80% चांसेस हैं कि VPN से पबजी चल जाएगी, और VPN थोड़ा महंगा यूज़ करना पड़ेगा ताकि बैन ना हो अकाउंट। यार महंगा VPN यूज़ करना, टर्बो यूज़ करना, ऐसे VPN यूज़ करना, उससे बैन नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट आता है कि UC ब्राउज़र जैसा बैन होए कि जिसके फ़ोन में पड़ी है वो यूज़ करो और जिसके फ़ोन में नहीं पड़ी वो भाई डाउनलोड कर लो कहीं जाकर, ठीक है। तो 2-3 तरीके से बैन हुई है, हो सकती है। तो अब देखते हैं भाई, कल तक पता चलेगा ये तो। सो और ये वीडियो इसलिए लेट आ रही है भाई क्योंकि सब कुछ मैंने अभी पता करा है और जल्दी जल्दी अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब एक और पॉइंट आता है गाइस कि पबजी को हमें, मतलब इस डिसीजन को हमें मोदी के सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस देखो, दो तरीके से इस डिसीजन को हम ले सकते हैं। पहला तो यार कि भाई मोदी ने एक काम तो सही किया है कि यार चाइनीज़ अगर वो सब बैन कर रहे हैं ना तो टेंशन तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट जो इंडिया में है ना भाई, 3.3 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो पबजी खेलते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा बट हाँ 3.3 करोड़ जितने बंदे हैं जो इंडिया में पबजी खेलते हैं। अब यार सीन क्या है कि पबजी वालों को अगर 3.3 करोड़ लोगों का पैसा इंडिया से मिल रहा है, तो अगर वो टेंसेंट वालों को हटा के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के अगर बड़ी जगह को दे देते हैं तो भाई उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 3.3 करोड़ जो पॉपुलेशन है ये नहीं जाएगी, प्लस उनको जो प्रॉफिट बाद में होगा ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया वाले बैन होने के बाद वैसे भी वो चीज़ ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब मोदी का जो डिसीज़न है वो तो सही है यार, चाइना को बॉयकॉट अगर हर चीज़ कर रहे हैं तो यार हम उसको भी गलत नहीं कह सकते। बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि यार अगर पबजी वाले इसको चेंज कर दे तो यार बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गेम से मुझे नहीं लगता यार कि कोई डाटा लीक हो सकता है, मतलब इस गेम से कोई डाटा लीक हो सकता है। टेंसेंट की यार बहुत गेम्स हैं यार, मतलब टेंसेंट तो यार कब से चल रही है, अब क्या बोल सकते हैं हम इसको। टिकटॉक था, ठीक है, जो बिल्कुल नई कंपनी आई थी, समझ आता है कि वो बिल्कुल नया ब्रांड था जो मतलब इस लड़ाई के बाद नया नया शुरू हुआ था, म्यूजिकली के बाद एकदम से टिकटॉक आ गया था, वो समझ आता है भाई। लेकिन टेंसेंट तो बहुत पुरानी है यार, उसकी तो पता नहीं कितनी गेम्स हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार टेंसेंट से डेटा चुरा सकते हैं या फिर कुछ, क्योंकि मुझे नहीं लगता। बाकी जो भी है, टेंसेंट तो भाई इतनी वो भी नहीं मांगता इन्फो, सिर्फ एक ईमेल आईडी मांगता है, वो भी पता नहीं, अब देखते हैं यार। बाकी यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है, बट ये बातें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि यार इन सब बातों के बाद ना आई थिंक सो भाई कुछ लोगों के डिसीजन चेंज होने वाले हैं, जो आई थिंक सो भाई मोदी जी को फालतू बोल रहे हैं या फिर आपने मीम्स तो देखे ही होंगे, ठीक है, जो इंस्टेंट बनते हैं। तो यार मोदी जी ने भी कुछ गलत नहीं किया है,
बट हम कुछ कह नहीं सकते किसी डिसीजन को, क्या पता भाई किस डिसीजन के पीछे क्या राज है जो हमें मीडिया को नहीं बताया जाता। अब भाई चाइना वालों ने पेंगोंग लेक से जो है मतलब पीछे हट गया, ठीक है, ऐसा हमें मीडिया में बताया जा रहा है, बट हम नहीं कह सकते यार कि क्या रियल है। ठीक है, मीडिया वालों को सिर्फ वो दिखाया जाता है, मीडिया से हमें वो पता चलता है जो उन्हें दिखाया जाता है, और भाई बैकग्राउंड क्या है कुछ नहीं पता हमें। तो चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही यार, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।